एक शॉट में गया वो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लेटेस्ट मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं ऑलरेडी बोला था कि मैं पबजी का गेम प्ले दूंगा। ये मैंने स्टॉप वॉच इसलिए लगाया है कि जब मैं गेम प्ले करूँगा तो जितना देर गेम प्ले होगा वो सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं गेम प्ले भी शुरू करने वाला हूँ। मैं बता देता हूँ, ये रियलमी फ़ोन है मेरा, ड्रॉप नॉच कैमरा आप देख सकते हैं, रियलमी 13 प्लस 2 एमआई कैमरा। बस स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा वरना कहीं और टॉप पर भटक जाऊंगा। सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल डाटा से मेरा चल रहा है गेम, ओके चलने वाला है मतलब मोबाइल डाटा से। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये 3 GB रैम 32 GB इंटरनल वेरियंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं पबजी शुरू करता हूँ और मैं यहाँ पर टाइमर भी ऑन कर दूँगा साथ ही साथ। यहाँ पर मेरा टाइमर स्टार्ट हो चुका है और मैं पूरी तरह से जो कोशिश करूँगा गेम को जो है मैं चलाऊँगा उसके हाई क्वालिटी में, हाई ग्राफिक्स में, ओके। क्योंकि हाई क्वालिटी हाई ग्राफिक्स में क्या होगा ना, गेम अच्छा चलेगा। 12 सेकंड हो चुके हैं, देखते हैं कितने देर में मेरा गेम स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप मुझे देख पा रहे हैं, पीछे मेरा लाइट मुझे को डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मेरा फ़ोन ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो गेम जो है मेरा अब स्टार्ट होने वाला है, 30 सेकंड्स हो चुके हैं, आधा मिनट ले चुका है। साउंड में दे देता हूँ, 39 पॉइंट्स कुछ सेकंड लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, करीब करीब 39 सेकंड्स ले चुका है गेम स्टार्ट होने में, इससे तो ये पता चलता है। तब टाइमर लगाया कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, तो टाइमर में हटा देता हूँ। मैं बता दिया हूँ 39 सेकंड्स ये लिया है फ़ोन। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सेटिंग्स में बता दूंगा, पहले मैं गेम स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। तो गेम को बिना देर के शुरू करते हैं, मैं साउंड थोड़ा कम कर दूंगा। यहाँ पर सेटिंग में आपको चेक करवा दे रहा हूँ, जो मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, सेटिंग ग्राफिक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हाई किया हुआ है ग्राफिक्स को, रिड्यूस मैंने ग्राफिक्स को ऑलरेडी हाई किया हुआ है। मैं फॉर जूम करके ग्राफिक्स मेरा ऑलरेडी हाई है फ्रेंड्स, और जो मेरा फ्रेम रेट है उसको भी मैंने हाई कर दिया। मैं क्लासिक में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं मूवी या फिर मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है इसे डिसेबल किया हुआ है, ठीक है, एंटी एलियाजिंग, पता नहीं क्या मोड है, समझ में नहीं आ रहा। ऑटो ग्राफिक्स भी मैंने डिसेबल कर दिया है या फिर मैं इनेबल कर देता हूँ, अगर कुछ ग्राफिक्स प्रॉब्लम आए तो ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करें, मुझे बार बार छेड़छाड़ी ना करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है, मतलब बहुत ही बेस्ट लग रहा है क्वालिटी, काफ़ी अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप 720 में या फिर 480 में देखते हैं ना, तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा तरीके से बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर 720p में अगर आप देखते हैं वीडियो, अगर आपके पास इंटरनेट की कमी नहीं है तो मुझे आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, ओके। तो आइए डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पर जंप करना है। जंप करते हैं हम लोग स्कूल या पोचिंकी के बीच में, क्योंकि प्लेन हमारा इसी के दोनों के बीच में जाने वाला है, स्कूल या पोचिंकी, या मेरे ख्याल से पोचिंकी चलना चाहिए। तो पोचिंकी अभी आने वाला है, पोचिंकी में जंप करते हैं, और जंप करने के बाद भी देखेंगे कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस तो जंप के बाद देखिए आपको कैसा लग रहा है, अब आप ही लोग सब डिसाइड करिए। और भी देख लेते हैं अच्छे से बंदे को सामने से कैसा लग रहा है, काफ़ी सही भी ला रहा है, मतलब हाई क्वालिटी का मज़ा ही अलग है फ्रेंड्स। मतलब बस अगर फ़ोन अच्छा हो, फ़ोन का तो बिल्कुल ही अच्छा है भाई, फ़ोन में तो कमी है ही नहीं कुछ, क्योंकि मुझे फ़ोन बहुत ही बेस्ट लगा है। मैंने जिसको रिकमेंड किया है वो बंदा मेरा बात सुन के फ़ोन लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा लाइक। और फ़ोन भी मतलब बहुत बेस्ट है, 3 GB रैम वेरियंट है, 4 GB रैम वेरियंट रहता तो शायद लाइटली बेटर होता है, ठीक है, लाइटली, क्योंकि इसमें क्या आपको 1 GB रैम बढ़ जाता है जो आपका फ़ोन को और हल्का बना देता है, ठीक है। हल्का मतलब कि कोई भी काम वो आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब परछाएं भी बिल्कुल आराम से। चलिए पहले लूट लेते हैं, मैं आपको बाद में बताते रहूँगा ग्राफिक्स के बारे में। मैं नहीं चलना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही उतरूँ वैसे ही बस मेरा खेल ख़त्म हो जाए, ओके। ये गेम मुझे सिखा रहा है बहुत कुछ, ठीक है, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे खेलूँगा। मुझे
असॉल्ट राइफल और SMG से खेलना ज़्यादातर पसंद है, बट मैं असॉल्ट राइफल को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि SMG मुझे बहुत बार धोखा दे चुका है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्वालिटी है गेम की, बंदा आ चुका है एग्जैक्ट मेरे पीछे ही है। पीछे फाइट ले रहा इसी वाले घर में। चलिए जाके मारते हैं उसको। बंदा आ चुका है, आ रहा है, वो भी आ ही रहा है मेरे पास। क्या बात है, मरने के लिए आया था। अब मैं असॉल्ट राइफल ले लेता हूँ, बहुत शॉटगन से फाइट हो गया है। इसका गॉज भी फेंक देता हूँ, गॉज का कोई काम नहीं है। कपड़ा नहीं है भाई, ड्रेसलेस है, ड्रेसलेस का नहीं रहने दूंगा इसको। और पैंट है नहीं इसके पास, हाफ पैंट में काम चलाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, VSS काम आता है कभी कभी, मीरामर में काफ़ी काम आता है क्योंकि वो बड़ा मैप है ना। वहाँ पर क्या है कि आपका मतलब VSS का सही काम वही होता है, बट अभी फ़िलहाल में असॉल्ट काम आएगा, VSS काम नहीं आने वाला है। तो यहाँ से कहीं और चला जाए, पहले देख लेते हैं सर्कल कहाँ ख़त्म होगा। ओहो, मेरे ख्याल से सर्कल यहाँ ख़त्म होगा, मैंने मार्क कर दिया, देखते हैं एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक जाते हैं मेरे। अब ग्राफिक्स पे आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दो बंदा था, मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि कुछ लूट लेते हैं, पहले मारपीट हो जाए तब जाके ग्राफिक्स पे बताऊँगा। छत पर चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स तो काफ़ी मस्त है, कॉपियाँ मिल चुका है, मतलब सीरियसली बहुत ही बेस्ट लग रहा है मुझे ग्राफिक्स। SMG मिल चुका है, बट मैं UMP9 नहीं लूँगा, मैं VSS लेके लड़ूंगा। वाह, मतलब सीरियसली ग्राफिक्स बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। किसी का आवाज़ आ रहा था मुझे, फुटस्टेप्स नहीं दिख रहे, कोई है नहीं, मतलब आप देख सकते हैं मतलब बहुत ही उमदा क्वालिटी है, लाइक पूरी तरह से PC जैसा चल रहा है, बट PC से थोड़ा अलग है। मूवी में करता हूँ तब जाके PC जैसा होता है, ऐसे मैंने PC में भी खेला है, बट ज़्यादा मज़ा जो है मोबाइल में हो रहा है, क्योंकि मोबाइल में क्या अपना हाथ से कोई भी गेम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, और ये PC से ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस देते हैं। तो मेरा लाइट मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बंदा है या नहीं पता नहीं चल रहा, और रेड जोन, चलो घर के अंदर भाई। रेड जोन का सामने कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या कभी रेड जोन के चलते जो बम गिरता है, मतलब क्या उससे कुछ आपको नुकसान हुआ है कभी? अगर हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है गेम को अभी स्किप करता हूँ, ठीक है, मतलब गेम चलेगा आप पर टाइम लैप्स में देखोगे। ओके, दो फाइटर, चलिए यहाँ पर तो दो बंदा आ चुका है एक दूसरे को। यहाँ पर दो बंदा है, आप देख सकते हैं, एक शॉट में गया। ओ फक, VSS एक शॉट में, मतलब मज़ा ही आ गया। एक और बंदा था यहाँ पर,
वो कहाँ चला गया? वीएसएस से भी एक शॉट में मरते हैं, ये मैं पहली बार देखा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। थोड़ा सा टाइम तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जीत चुके हैं विनर विनर चिकन डिनर। और जो मेरा फ़ोन का टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर अप्रॉक्सीमेटली बोला जाए तो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इतना डिसेंट गर्म कोई भी फ़ोन होता है, ठीक है। बिल्कुल मेरा फ़ोन एकदम परफेक्ट कंडीशन में, मुझे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ना ही ज़्यादा ओवर हीट हो चुका है, बिल्कुल अच्छा कंडीशन में है हमारा फ़ोन, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुझे तो ठीक लग रहा है फ्रेंड। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I